कैसे हो भाई लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होगे। दोस्तों आजकल मोबाइल में बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है। दोस्तों अगर आप गेम खेल रहे हो या फिर इंटरनेट चला रहे हो, यहाँ तक कि अगर आप देर तक किसी से बात भी कर रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आपका मोबाइल बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है आपको कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मोबाइल जो है वो गर्म कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पे गर्म करने का जो सेंस है, यहाँ पे हम अपने मोबाइल में जो यूज नहीं है, जिस एप्लीकेशन का यूज नहीं है, उसे हम बैकग्राउंड में चलने देते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें को ऑन करके रखते हैं जिन्हें हमको पता नहीं होता है कि एक्चुअल में इस चीज़ का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब उस चीज़ का उपयोग नहीं भी हो रहा है, अगर आप नहीं भी करते हो तो वो चीज़ें ऑन रहती हैं और इसे आपको हरदम ऑफ करके रखनी चाहिए। अगर दोस्तों आप मोबाइल, मान लीजिए आप इंटरनेट चला रहे हो और वहाँ पे लोकेशन एक्सेस नहीं है, फिर भी आपका लोकेशन ऑन है, तो दोस्तों वहाँ पे जो लोकेशन आपके मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हो और वीडियो देख रहे हो, आप बैकग्राउंड में आप नेट चला रहे हो, नेट चलाकर आपने कट कर दिया है, कोई मतलब ऐप खोल के आपने गेम वेम खेला है और वहाँ पे कट करके और वीडियो देख रहे हो, तो दोस्तों बैकग्राउंड में जो है वो चीज़ जो है वो रन कर रहा है। तो आपको यहाँ पे रनिंग की जो एप्लीकेशन होंगी उनको आपको पहले रिमूव कर देना है, कट कर देना है, उसके बाद ये जो दोस्तों आपको हीट होने वाली प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि सिंक्रोनाइजिंग हो गया, लोकेशन हो गया, ये सब चीज़ें अगर आप ऑन करके रखते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बैटरी खाती है, तो आपको इनको ज़रूरत के हिसाब से ही ऑन करना चाहिए। नंबर दो, दोस्तों ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आप अपने मोबाइल को जो है वो फ्री रखो, मतलब कि आप अपने मोबाइल में कम से कम, मतलब मान लीजिए आपके मोबाइल का स्टोरेज जो है वो 2 GB है इंटरनल स्टोरेज, यहाँ पे आपको कम से कम 500 MB जो है वो क्लियर रखना है, मतलब खाली रखना है। अगर आप इसे ज़्यादा रख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आपका स्टोरेज ज़्यादा है, 32 GB का है, 16 GB का है, तो कम से कम आपको 1 GB या 1.5 GB आपको खाली रखनी है, मतलब स्पेस जितना ज़्यादा इंटरनल खाली रहेगा दोस्तों, उतना ज़्यादा जो है आपका मोबाइल जो है मूव होगा, और मूव होगा तो दोस्तों यहाँ पे हीट करने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर तीन, दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन है और ये पर्सनली मैंने इसे फेस कर रखा है और यहाँ पे मैं आपको ये सजेशन बता रहा हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसी जगह पे अपना मोबाइल को जो है वो यूज़ नहीं करना है जहाँ पे वातावरण जो है वो गर्म हो। जैसे कि मान लीजिए आप रोड पे चलते चलते मोबाइल का उपयोग मत कीजिएगा, और साथ ही कुछ ऐसी जगह मोबाइल का उपयोग मत कीजिएगा जहाँ मतलब गर्मी हो, वहाँ पर ऑटोमेटिकली दोस्तों आपका मोबाइल जो है वो हीट हो जाएगा। अगर आप ऐसी जगह, मतलब कि ऐसी जगह मोबाइल यूज करते हैं जहाँ पर ठंडा हो, जैसे कि आप रूम में यूज कर सकते हैं, तो इन्वायरमेंट के अनुसार दोस्तों आपका मोबाइल भी हीट हो सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो शायद आपका मोबाइल जो है वो हीट ना हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज हर रोज अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद।